सो हे गाइस एंड एज ऑलवेज वेलकम टू माय चैनल फैंडम एक्सोन। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज रीटेलीकास्ट कब करी जाएगी टीवी पर, और हम लोग साथ साथ बात करेंगे बेब्लेड मेटल सीरीज कब आएगी, और साथ साथ मेटल सीरीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेटल फ्यूजन के बाद हम लोग को मेटल मास्टर और मेटल फ्यूरी और साथ साथ शोगन स्टील देखने को मिलेगी मार्वल एचक्यू पे या फिर नहीं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के बारे में। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को ऑसम बनाने के लिए करो यार ऑसम सा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार मैं पहले ही बोलता हूँ अगर आपके पास बेब्लेड है तो बेब्लेड फेंक के मारो या फिर लॉन्चर फेंक के मारो या फिर वो जो एक उंगली है ना उसी से दबा दबा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चले यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज यानी कि बेब्लेड की फर्स्ट सीरीज के बारे में। तो वैसे सबने बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज देख चुकी है, बट स्टिल अगर बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 15 तारीख 2019 यानी कि 15 दिसंबर 2019 को 6 बजे बेब्लेड जी रेवोल्यूशन। आप देखो यार ये मैंने शेड्यूल देख के बताया है ऑफिशियली वेबसाइट से, तो मतलब आएगा यार इतना तो कंफर्म मैं बोल ही सकता हूँ। तो 6 बजे आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2019 को बेब्लेड जी रेवोल्यूशन। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज जो जुड़ी है बेब्लेड मेटल फ्यूजन से रिलेटेड। तो बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि वो बेब्लेड मेटल फ्यूजन नहीं आ रहा, और सब लोग जानते भी हैं कि बिकॉज डबिंग हो रही है। तो अब बात आती है कि अगर डबिंग हो रही है तो कब आएगा। तो देखो अभी मेरे ख्याल से डबिंग में थोड़ा सा उन लोगों को टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते में भी आ सकता है वापस बेब्लेड मेटल फ्यूजन, क्योंकि उनको टीआरपी अच्छी खासी मिली थी। ठीक है टीआरपी का कोई लफड़ा नहीं है तो बेसिकली यार आ ही जाएगा। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लगता है 2 हफ्ते का हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को बेब्लेड मेटल फ्यूजन टीवी पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी बेब्लेड मेटल फ्यूजन के बारे में। और मुझे कमेंट आया था क्या बेब्लेड मेटल फ्यूजन के बाद हम लोग को मेटल फ्यूजन की और सारी सीरीज यानी कि मास्टर और शोगन स्टील और फ्यूरी देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब बस टीआरपी का ही खेल है। वैसे अभी तक बात करें फ्यूजन के टीआरपी के बारे में तो मेटल फ्यूजन को अच्छी खासी टीआरपी मिली है, और अगर वो लोग फ्यूचर में इसको दिखाएंगे मेटल फ्यूजन को ऑफकोर्स दिखाएंगे, तो अगर उनको अच्छे से टीआरपी मिल गई तो आपका बेब्लेड मेटल मास्टर या फिर शोगन स्टील या फिर कोई भी बेब्लेड की सीरीज हो एक्स वाई जेड सब कुछ हम लोग को टीवी पर देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्वल एज का जो एक चैनल है वो मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसा चैनल है जो आपको किसी भी ऐप पे देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 ऐप हैं बट वो सब ऐप उतने पॉपुलर नहीं है। बट अगर हम बात करें और सब ऐप जैसे कि जियो टी वी हो गया और भी बहुत सारे ऐप आते हैं जिसपे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग शोज वोज देखते हैं, तो मार्वल एच क्यू अपने जितने भी मतलब थे मतलब कह सकते हो कि स्ट्रीमिंग ऐप्स सबसे उसको हटा दिया गया बिकॉज द टी आर पी का सब खेल है। क्योंकि मार्वल एच क्यू चाहता है कि उसके जितने भी शोज आएँ सब लोग उसको टी वी पर बैठ कर देखें, ना कि अपने डिवाइस या फिर किसी फ़ोन पर। तो यही बात यार टी आर पी का इससे साफ साफ पता चलता है कि मार्वल एच क्यू को टी आर पी चाहिए, और वो भी एक रियल टी आर पी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़, वो है बेब्लेड बर्स्ट से रिलेटेड। तो देखो बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो आएगा बेब्लेड मेटल फ्यूजन जब खत्म हो जाएगी पूरी। अब देखते हैं बेब्लेड मेटल फ्यूजन कब तक आता है, बट हाँ एक सीक्वेंस में हम लोग को देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज बेब्लेड मेटल मास्टर या फिर बेब्लेड मेटल की जितनी भी सीरीज है एक्स वाई जेड, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट एकदम स्टार्टिंग से दिखाया जाएगा, डायरेक्टली हम लोग को एवोल्यूशन नहीं दिखाया जाएगा। तो कह सकते हो कि बेब्लेड मेटल जब खत्म होगी तो उसके बाद हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से यार जनवरी जनवरी तक तो अभी मतलब मेटल फ्यूजन का ये भी क्रेज़ रहेगा, और इससे मेरे ख्याल से बेब्लेड की बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी इंक्रीज़ होगी इंडिया में, क्योंकि बेब्लेड मेटल एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिला है। खैर यहाँ पे मैं सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, बस इतनी मेरे वीडियो में न्यूज़ थी। एंड गाइस अभी अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि यार एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, बिकॉज अगर मैंने कभी इंस्टाग्राम पर अपने प्रमोट नहीं करा तो पहली बार बोल रहा हूँ जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आप। वहाँ पर मैं अभी तो एक्टिव नहीं हूँ फिलहाल, बट जल्दी वहाँ पर भी एक्टिव मैं आपको मिलूंगा, तो जाके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। सो गाइस जैसे कि मैंने शुरू में कहा, अगर आप चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेब्लेड फेक का मारो यार, या फिर बेब्लेड नहीं है तो एक अंगूठा है ना वही दबा दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।